हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है study.commerce007। मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आप मुझे यहां पूछ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक क्या है, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, वर्ल्ड बैंक का मेन मिशन क्या है। इसके अलावा हम देखेंगे वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या होता है और इंडिया और वर्ल्ड बैंक के क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम देखेंगे। वर्ल्ड बैंक के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो हमारे नेट का जो सिलेबस है इसमें हमें इंटरनेशनल बिजनेस में तीन इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला है IMF, दूसरा है वर्ल्ड बैंक और तीसरा है UNCTAD। IMF पे मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम वर्ल्ड बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक क्या है। तो IMF और वर्ल्ड बैंक, जिसे कि हम IBRD कहते हैं, ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जब हुई थी न्यू हैम्पशायर यूनाइटेड स्टेट्स में 7 जुलाई 1944 में, यानी कि इन दोनों को बनाया गया था। और ये आइडिया जो है था हैरी डेक्सटर वाइट और जॉन मेनार्ड केन्स का, यानी 7 जुलाई 1944 में IMF और वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। ब्रेटन वुड्स एक जगह है जहां पर ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें 44 नेशंस ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। यहां पे वर्ल्ड बैंक और IMF को बनाया गया था। चूंकि ये दोनों ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में बनाई गई थी, इसीलिए IMF और वर्ल्ड बैंक को हम ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से जानते हैं, या हम इन्हें सिस्टर इंस्टीट्यूशंस के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये क्या काम करता है? तो वर्ल्ड बैंक लोन्स प्रोवाइड करता है। किसे प्रोवाइड करेगा? तो जो पुअरर कंट्रीज हैं, इनकी गवर्नमेंट्स को वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड करता है। अब ये रीजन क्या है कि ये लोन क्यों प्रोवाइड करता है? तो इसका रीजन है कैपिटल प्रोजेक्ट्स। जो पुअर कंट्रीज हैं, इनके जो कैपिटल प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनके लिए वर्ल्ड बैंक लोन्स और ग्रांट्स प्रोवाइड करता है। इसीलिए हम इसे डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, क्योंकि जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए वर्ल्ड बैंक लोन्स प्रोवाइड करता है। पुअरर कंट्रीज, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिनके पास इतना फंड नहीं होता है कि वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा लगा सके। चाहे फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है तो उसके लिए हैवी फंड की, इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। और अगर कोई कंट्री पुअर है, यानी डेवलपिंग स्टेट में चल रही है, और उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपरली बिल्डअप कर सके, तो ऐसी कंट्रीज को वर्ल्ड बैंक लोन्स प्रोवाइड करती है। यहाँ हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इंडिया के संदर्भ में। रिसेंटली अटल भूजल योजना, इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अग्रीमेंट साइन किया है, जहाँ पर लोन पास किया गया है। यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है वो इंडिया को लोन दे रही है ग्राउंड वाटर के इम्प्रूवमेंट की। इंडिया में जो ग्राउंड वाटर है, इसके इम्प्रूवमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक लोन दे रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और ये जो योजना है, इसे हम कहेंगे अटल भूजल योजना। $450 मिलियन का यहाँ पर लोन सैंक्शन किया गया है। तो ये क्या है? ये एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इंडिया का जो ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, इसका लेवल नीचे जा रहा है, ये एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसके लिए वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि वर्ल्ड बैंक क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक में दो बॉडीज, यानी कि दो इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड किया जाता है। पहला है IBRD, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और दूसरा है द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इनको कंबाइंड तौर पे हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। IBRD को हम एक तरीके से वर्ल्ड बैंक ही कहते हैं। तो इनमें दो इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड किया गया है। टुगेदर वर्ल्ड बैंक क्या है? दो इंस्टीट्यूशन से मिलकर बना है, जिसमें एक IBRD है, दूसरा IDA है। IBRD, जैसा कि हमने देखा कि IMF और IBRD दोनों साथ में बने थे 1944 में। बाद में 1960 में IDA को भी इसमें ऐड किया गया, और साथ में इन्हें हम एज अ वर्ल्ड बैंक जानते हैं। वर्ल्ड बैंक ने सबसे पहले लोन फ्रांस को दिया था, वहां पे वॉर के बाद, जब फ्रांस में वॉर हुआ था, तो उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने फ्रांस को लोन दिया था, ताकि जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको सही किया जा सके और वापस से रिकंस्ट्रक्शन किया जा सके। इसके बाद बैंक ने
अपना रास्ता चेंज कर दिया, यानी कि अब वो क्या करने लगा, जो पुअरर नेशंस हैं, जो कंट्रीज अब डेवलप्ड हो चुकी हैं, उनकी तरफ से अपना ध्यान हटाकर इन्होंने अपना फोकस किया, वर्ल्ड बैंक ने अपना फोकस किया पुअरर नेशंस पे, यानी कि जो पुअरर नेशंस हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनके लिए जो डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि कैपिटल प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। अब हम वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहला है वर्ल्ड बैंक का मोटो क्या है, तो वर्ल्ड बैंक का मोटो है वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, यानी कि वर्ल्ड बैंक किस लिए काम करता है कि जो पॉवर्टी है, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, उसका रिडक्शन हो सके और वर्ल्ड पॉवर्टी से यानी गरीबी से फ्री हो सके, पॉवर्टी ना हो। फॉर्मेशन इसका हुआ था जुलाई 1944 में। ये आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे IMF भी इसी साल इसके साथ ही बनाया गया था। हेडक्वार्टर्स है इसका वॉशिंगटन DC में। मेंबरशिप हम देख लेते हैं, तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे दो इंस्टीट्यूशंस हैं टुगेदर, IBRD एंड IDA आर कॉल्ड वर्ल्ड बैंक। IBRD में 189 कंट्रीज एज अ मेंबर हैं और IDA में 173। प्रेसिडेंट है डेविड मालपास और पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है इसके बारे में हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट इसका गोल है कि वर्ल्ड बैंक का क्या गोल है, तो वर्ल्ड बैंक का मोस्ट रीसेंट गोल है रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। जो मेन गोल है वर्ल्ड बैंक का वो है पॉवर्टी का रिडक्शन। वर्ल्ड बैंक के दो मिशन हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं। पहला है टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी और दूसरा है टू प्रमोट शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी में क्या है कि वर्ल्ड बैंक का ये एम है कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उसकी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, जो एक्सट्रीम गरीबी है, उसको घटाकर 3% तक ले आना ईयर 2030 तक, यानी 2030 तक जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है ग्लोबली, पूरे विश्व में, विश्व भर में जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है, उसको घटाकर 3% तक ले आना 2030 तक। दूसरा है टू प्रमोट शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी में है कि जो गरीब हैं, जो पुअरेस्ट हैं, उनकी इनकम को 40% से बढ़ाना इन एवरी कंट्री। जैसा कि हमने देखा था वर्ल्ड बैंक के क्विक फैक्ट्स में कि वर्ल्ड बैंक की जो पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी क्या है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। 5 institutions 1 group, यानी एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप है और इसके अंतर्गत 5 बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन आती हैं। वर्ल्ड बैंक क्या है, एक अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं जिसके अंतर्गत 5 तरीके की इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड किया जाता है। वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फंडिंग है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। यहाँ पे आप ये बात ध्यान रखें, डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे तो हम यहाँ बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है और वर्ल्ड बैंक इससे कैसे अलग है इसके बारे में हम देखते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंतर्गत 5 इंस्टीट्यूशंस आती हैं जो कि ये 5 कमिटमेंट पूरा करती हैं जो वर्ल्ड बैंक का है। क्या है, पॉवर्टी का रिडक्शन करना, प्रॉस्पेरिटी को इंक्रीज करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक का जो मेन एम है, मेन मिशन है, वो है एक्सट्रीम पॉवर्टी को ख़त्म करना, एक्सट्रीम पॉवर्टी को कम करना, प्रॉस्पेरिटी बढ़ाना और साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। तो इस मिशन को पूरा करने के लिए 5 इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया है जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नाम से जानी जाती हैं। अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या करता है, तो जो गवर्नमेंट्स हैं, कंट्री की गवर्नमेंट्स हैं या प्राइवेट सेक्टर्स हैं या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैंक्स हैं, इनके साथ मिलकर क्या करता है कि जो भी इश्यूज हैं उन पे काम करता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज होना, कन्फ्लिक्ट या फूड सिक्योरिटी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फिनांस और ट्रेड, ये सारे जो सेक्टर्स हैं इनके लिए क्या करता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप वर्क करता है कंट्रीज की जो गवर्नमेंट हैं उनके साथ मिलकर, ताकि ये जो सारे सेक्टर्स हैं इसमें डेवलपमेंट किया जा सके। तो हम बात कर रहे थे वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जैसा कि मैंने कहा कि 5 इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड किया जाता है, IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID। तो जैसा कि हमने पहले देखा कि IBRD और IDA, इन दोनों को हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। तो जो कमिटमेंट है वर्ल्ड बैंक का पॉवर्टी को रिड्यूस करना और जो अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए, जो वर्ल्ड बैंक का कमिटमेंट है उसको पूरा करने के लिए इन 5 इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया है। समय समय पर इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट किया गया है ताकि जो कमिटमेंट है वर्ल्ड बैंक का उसको पूरा किया जा सके। तो ये 5 इंस्टीट्यूशन एज अ वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नाम से जानी जाती हैं। तो हम देख लेते हैं कि 5 इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से काम करती हैं। तो IBRD और IDA को, जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक साथ हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, ये क्या करती हैं,
पॉलिसी एडवाइस देती हैं, फाइनेंसिंग देती हैं, टेक्निकल असिस्टेंट देती हैं गवर्नमेंट्स को। कौन सी गवर्नमेंट्स को? तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि डेवलपिंग कंट्रीज की गवर्नमेंट्स को ये प्रोवाइड करती हैं टेक्निकल असिस्टेंस या फाइनेंस करती हैं, पॉलिसी के ऊपर एडवाइसेस देती हैं। अब यहाँ पे एक डिफरेंस आईडीए और आईबीआईडी के वर्क में ये है कि आईडीए फोकस करता है वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्री, जो वर्ल्ड की सबसे गरीब कंट्री है। फॉर एग्जांपल अफ्रीका, सबसे ज़्यादा लोन जो है वो आईडीए ने अफ्रीका को ही प्रोवाइड किया है। तो वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्री पर आईडीए फोकस करती है और आईबीआईडी फोकस करती है मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्थी पुअर कंट्रीज, यानी कि ऐसी कंट्रीज जो मिडिल इनकम है और वो इतनी पावरफुल हैं कि वो बाद में जो पेमेंट है, जो लोन लिया जा रहा है उनके द्वारा, उसका रीपेमेंट कर सकती हैं। दूसरा, यहाँ पे बाकी तीन इंस्टीट्यूशंस जो हैं, आईएफसी, मीगा और आईसीएसआईडी, ये तीनों इंस्टीट्यूशंस फोकस करती हैं प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रेंथन करने की डेवलपिंग कंट्रीज की। यहाँ हम जब भी बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज, ये आईएफसी, मीगा और आईसीएसआईडी ये फोकस करती हैं डेवलपिंग कंट्रीज के प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए। यहाँ पे हमने क्या डिफरेंस पढ़ा कि जब हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं यानी पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्क करेंगी आईबीआरडी और आईडीए डेवलपिंग कंट्रीज की। और जब हम प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं यानी प्राइवेट सेक्टर को फोकस करते हैं, तो यहाँ पे तीन इंस्टीट्यूशंस वर्क करती हैं, आईएफसी, मीगा और आईसीएसआईडी। तो ये पांचों मिलाकर बनाती हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप को। और हम ध्यान रखेंगे कि आईबीआरडी और आईडीए को एज अ वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। तो चलिए एक एक करके हम सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि आईबीआरडी। आईबीआरडी वर्ल्ड लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। आईबीआरडी के साथ में वर्ल्ड बैंक नाम का जब बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, तो वहां पे आईबीआरडी इंक्लूडेड है और साथ में आईडीए भी वहां पर आता है। तो आईबीआरडी क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक है। इसका फॉर्मेशन 1944 में हुआ था। इसके अलावा आईएमएफ इसके साथ बना था, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर्स, तो इसका हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी में है। और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि आईएमएफ का भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। इसके अलावा जो आईबीआरडी है, इसमें मेंबर कंट्रीज है 189 कंट्रीज। अब आईबीआरडी क्या काम करता है? तो आईबीआरडी क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन्स प्रोवाइड करता है। किन्हें प्रोवाइड करता है? तो मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज को। ये हमने भी पहले देखा कि जो मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यानी कि जो क्रेडिट वर्दी हैं, जो लोन इन्होंने लिया है वो आगे चल के इसको रीपे करने की हालत में है, ऐसी सिचुएशन में है कि रीपे कर सकती हैं, ऐसी कंट्रीज को आईबीआरडी लोन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आईबीआरडी क्या ऑफर करता है? तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, यानी कि लोन्स प्रोवाइड करता है, ग्रांट्स प्रोवाइड करता है और पॉलिसी एडवाइस प्रोवाइड करता है, ताकि जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस किया जा सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सके डेवलपिंग कंट्रीज में। इसके लिए आईबीआरडी वर्क करता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारा दिया है कि आईबीआरडी इज ओन्ड एंड गवर्न बाय इट्स मेंबर स्टेट्स, जो इसकी 189 मेंबर कंट्रीज हैं, इनके द्वारा ये गवर्न होता है। इसके अलावा इसकी एक एग्जीक्यूटिव लीडरशिप और स्टाफ है जो कि जो बिजनेस ऑपरेशंस नॉर्मल डे टू डे होते हैं उनको कंडक्ट करता है। नेक्स्ट है जो कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है। अब आईबीआरडी के पास जो फंड्स हैं वो कहाँ से आएंगे? तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन होता है मेंबर नेशंस के द्वारा। इसके अलावा भी जो है वो कैपिटल मार्केट में बॉन्ड्स को इशू करके, आईबीआरडी बॉन्ड्स को इशू करके भी अपनी जो कैपिटल है उसे एक्वायर करती है। नेक्स्ट है हमारी कि आईबीआरडी कंसेशनल फाइनेंसिंग करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है, यानी कि कुछ पर्टिकुलर समय के लिए आईबीआरडी लोन्स प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है? सोवन स्टेट्स का मतलब है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट होगी उसको वो लोन प्रोवाइड करेगा। किस लिए प्रोवाइड करेगा? तो अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, एजुकेशन पे खर्चा करने के लिए, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के लिए, ये जो अलग अलग रीजंस हैं इनकी वजह से आईबीआरडी लोन प्रोवाइड कर सकता है डेवलपिंग कंट्रीज को। नेक्स्ट हमारा इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंतर्गत इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, यानी कि आईडीए। आईडीए क्या करता है? ये भी कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड करता है पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को, वर्ल्ड की जो पुअरेस्ट, सबसे गरीब जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनको आईडीए लोन प्रोवाइड करता है। ये ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। कंसेशनल लोन्स का मतलब यहाँ पे है कि कुछ समय के लिए जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 24 सितंबर 1960 में।
इसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में है और मेंबर कंट्रीज 173 कंट्रीज है। यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है टोटल जो पांचों हैं इनका जो प्रेसिडेंट होंगे वो सेम है, प्रेसिडेंट हमारा डेविड मालपास ही होंगे, ये पूरे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। अब आईडीए क्या करता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो आईडीए को 1960 में बनाया गया था आईबीआरडी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी कि आईबीआरडी का जो कार्य था उसमें सहायता करने के लिए आईडीए को बनाया गया, ताकि जो ऐसी कंट्रीज है जो बहुत गरीब हैं और उनके पास क्रेडिट वर्दिनेस नहीं है, यानी कि उनकी पर कैपिटा इनकम या ग्रॉस नेशनल इनकम बहुत कम है। क्रेडिट वर्दिनेस का मतलब है कि वो इस हालत में भी नहीं है कि वो अपने लोन का रीपेमेंट कर पाए। आईडीए क्या करती है, पुअरेस्ट नेशंस को असिस्ट करती है, लोन प्रोवाइड करती है ताकि वो ग्रो कर सके और सस्टेनेबिलिटी उनके अंदर आए और जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस किया जा सके, यानी कि ओवरऑल लोन्स प्रोवाइड करती है ताकि इन कंट्रीज में जो गरीबी है उसको दूर किया जा सके और प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। आईडीए एम करता है फाइनेंस प्रोजेक्ट्स को, यानी कि डेवलपमेंट करना किसका, इंफ्रास्ट्रक्चर का, एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्लीन वाटर, सैनिटेशन और एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा कि हमने आईबीआरडी में पढ़ा था उसी तरीके से आईडीए भी लोन प्रोवाइड करता है, बस फर्क इतना है कि आईबीआरडी मिडिल इनकम जो कंट्रीज होती हैं, मिडिल इनकम होती है और इनकी क्रेडिट वर्दिनेस होती है, यानी ये रीपेमेंट करने की हालत में होती है, ऐसी कंट्रीज को आईबीआरडी लोन प्रोवाइड करता है, जबकि जो पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं इनको आईडीए लोन प्रोवाइड करता है। और इन दोनों को हम साथ में वर्ल्ड बैंक कहते हैं। इस बात को मैं बार बार कह रही हूँ, आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि दोनों को एक साथ हम एज वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आईडीए जैसा कि पहले ही हमने पढ़ा कि कंसेशनल टर्म्स पे लोन को प्रोवाइड करता है। कंसेशनल टर्म्स क्या हो सकते हैं कि जैसा कि हमने पहले कहा कि जो पुअरेस्ट कंट्रीज हैं जिनकी क्रेडिट वर्दिनेस नहीं है, बहुत कम इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है या जीरो इंटरेस्ट, कभी कभी जीरो इंटरेस्ट लिया जाता है और रीपेमेंट का जो समय होता है वो 30 से लेकर 38 साल तक का होता है। इसके अलावा 30 से 38 साल तक का तो रीपेमेंट पीरियड होता ही है, साथ ही साथ 5 से 10 साल का ग्रेस पीरियड भी होता है, यानी कि अगर 30 से 38 साल में पेमेंट नहीं हो पाता है तो 5 से 10 साल तक के लिए और भी इसे बढ़ाया जा सकता है। आईडीए ऑल्सो प्रोवाइड्स ग्रांट्स टू कंट्रीज एट रिस्क ऑफ डेट डिस्ट्रेस। डेट डिस्ट्रेस का मतलब है कि जो सिक्योरिटीज हैं वो तो या तो डिफॉल्ट हो चुकी हैं या फिर बैंकरप्सी प्रोटेक्शन के अंतर्गत है या उसकी ओर बढ़ रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, रिस्क ऑफ डिस्ट्रेस कहते हैं। रिस्क ऐसी सिचुएशन में जब डेट डिस्ट्रेस की सिचुएशन होती है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना हाथ हटा लेते हैं, यानी कि वो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं ऐसी गवर्नमेंट में या ऐसी कंपनीज में। तो ऐसी सिचुएशन में जो आईडीए होगी ये डेट है जो उसको परचेज करती है, जिसके बाद जो कंट्री है उसकी जो ये डिस्ट्रेस की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। नेक्स्ट है आईडीए इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ असिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड 75 पुअरेस्ट कंट्रीज। आईडीए क्या है, एक लार्जेस्ट सोर्स है 75 पुअरेस्ट कंट्रीज के लिए, जिसमें से 39 अफ्रीका में है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, यानी कि आईएफसी। आईएफसी क्या करती है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है प्राइवेट सेक्टर्स को, ताकि इनका डेवलपमेंट किया जा सके कहाँ का, लेस डेवलप्ड कंट्रीज के, यानी कि जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनके प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए आईएफसी लोन्स प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, जब बात आईएफसी की करेंगे, मीगा की करेंगे और ICSID की करेंगे, तो यहाँ पे ये तीनों प्राइवेट सेक्टर्स के लिए वर्क करती हैं, लेस डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज की। तो आईएफसी का फॉर्मेशन हुआ था 20 जुलाई 1956 में। इसका भी हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी में है और मेंबर कंट्रीज है 184 कंट्रीज। अब इसको 1956 में बनाया गया था एज एन प्राइवेट सेक्टर की हेल्प करने के लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप में। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जो पहले दो इंस्टीट्यूशंस थे आईबीआरडी एंड आईडीए, ये जो पब्लिक सेक्टर है उसके लिए ये लोन्स प्रोवाइड करती हैं। प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आईएफसी को बनाया गया प्राइवेट सेक्टर, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका डेवलपमेंट किया जा सके। क्योंकि ओवरऑल जो मेन एम है वर्ल्ड बैंक का वो है रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड प्रमोशन टू डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को प्रमोट करना और पॉवर्टी को रिडक्शन करना, इन दोनों को करने के लिए एक कंट्री की जो प्राइवेट सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर है उन दोनों का डेवलप्ड होना जरूरी है। तो आईबीआरडी और आईडीए पब्लिक सेक्टर के डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं और दूसरी ओर आईएफसी, मीगा और आईसीएसआईडी ये प्राइवेट सेक्टर को फोकस करती हैं। नेक्स्ट है आईएफसी क्या करता है, लोन्स देता है, किन्हें देता है, बिजनेसेस और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को करीबन 7 से 12 साल तक के लिए, 7 to 12 years तक के लिए लोन्स देता है प्राइवेट प्रोजेक्ट्स और बिजनेसेस को।
आईएफसी का एक ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस प्रोग्राम है जिसमें कि करीब 200 अप्रूव्ड बैंक्स हैं, जिनको आईएफसी क्या करता है, गारंटी देता है जो पेमेंट रिस्क है उसको कवर करने के लिए, लॉसेस का जो रिस्क है, पैसा डूबने का जो रिस्क है इन बैंक्स का, उनको कवर करने की गारंटी आईएफसी देता है उसके एक ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस प्रोग्राम के अंतर्गत। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट के द्वारा ही आईएफसी भी अपने फंड्स को रेज करता है। नेक्स्ट है हमारा मीगा, यानी कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो मीगा क्या है? मीगा वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा है। जैसा कि हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मीगा भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा है। ये क्या करता है? ये प्रमोट करता है क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग गारंटीज, पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस एंड क्रेडिट एनहांसमेंट टू इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स। क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है, दो कंट्रीज के बीच जब ट्रांजैक्शन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में पॉलिटिकल रिस्क होगा, तो इसको कवर अप करने का काम क्या करता है, मीगा के द्वारा किया जाता है। कि पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस का यहाँ पर मतलब ये है कि अगर ऐसा कोई बिजनेस में रिस्क हो जाता है, जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं किसी भी कंट्री की, पॉलिटिकल कंडीशंस कभी भी चेंज हो सकती हैं, तो ऐसी पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से अगर लॉसेस हो रहे हैं किसी कंट्री को, तो उसके लिए ये क्या करता है, गारंटी प्रोवाइड करता है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 12 अप्रैल 1988 में। इसका भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और मेंबर कंट्रीज है 181 कंट्रीज। मीगा क्या करती है? तो प्रमोट करती है FDI डेवलपिंग कंट्रीज में टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस पॉवर्टी एंड इम्प्रूव पीपल्स लाइफ। लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए और पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए FDI को प्रमोट करती है। जैसा कि हमने देखा क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स को ये इंकरेज करती है। तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है, वन कंट्री इज इन्वेस्टिंग इन अदर कंट्री। तो यहाँ क्या है, FDI, एक कंट्री जब दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो जो ये फॉरेन की कंट्री अगर कोई है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है, तो यहाँ क्या है, ये FDI है कि बाहर की कंट्री यहाँ इन्वेस्ट कर रही है, तो प्रमोट करती है FDI को। नेक्स्ट है मीगा ऑफर्स इंश्योरेंस टू कवर 5 types ऑफ नॉन कमर्शियल रिस्क। नॉन कमर्शियल ऐसे रिस्क हैं 5 तरीके के जिनको कवर करती है, यानी कि मीगा इंश्योरेंस ऑफर करती है इनको कवर करने की। जब कोई कंट्री लीगल करेंसी को हार्ड करेंसी में कन्वर्ट नहीं कर पाती, तो इसे हम करेंसी इनकन्वर्टिबिलिटी कहते हैं। और ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफर करना करेंसी को, ऐसी जब कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। दूसरा है गवर्नमेंट एक्सप्रोप्रिएशन। गवर्नमेंट एक्सप्रोप्रिएशन का मतलब है कि गवर्नमेंट क्या करती है, जो प्राइवेट ओनर्स है उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर लेती है, यानी उनको ओन कर लेती है पब्लिक वेलफेयर के लिए। ऐसी सिचुएशन में भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है मीगा। इसके अलावा वॉर की वजह से कोई डिस्ट्रक्शन हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है, टेररिज्म है, सिविल डिस्टरबेंस है, कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है। इसके अलावा लास्ट है आपका नॉन ऑनरिंग ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है जिसको अगर एक कंट्री पूरा नहीं कर पा रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया की गवर्नमेंट है, इंडिया में किसी ने बाहर से, कोई इन्वेस्टर है, उसने पैसे इन्वेस्ट किए, लेकिन इंडिया इस हालत में नहीं है कि उसको रीपेमेंट कर पाए, यानी अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पूरा कर पाए, तो ऐसी सिचुएशन में मीगा इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी किसको, उस इन्वेस्टर को, ताकि जो ऑब्लिगेशन है वो पूरा किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा ICSID, यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये क्या है कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन है। 1966 में इसको बनाया गया था ताकि जो लीगल डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजोल्व किया जा सके बिटवीन इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि दो कंट्रीज हैं वो आपस में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, तो इसमें जो उनके बीच अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजोल्व करने के लिए एक ये इंस्टीट्यूशन बनाई गई है, जिसे हम ICSID के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मेशन हुआ था 14 अक्टूबर 1966 में। इसकी भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है और मेंबर कंट्रीज है 154 कंट्रीज। तो ICSID क्या है, एक एज अ फोरम है जो कि इन्वेस्टर और स्टेट डिस्प्यूट के सेटलमेंट में हेल्प करती है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज में और इन्वेस्टमेंट लॉज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स में। यानी कि ICSID क्या है, एक इन्वेस्टर और स्टेट, मान लीजिए दो कंट्रीज हैं, उसमें से एक कंट्री ने दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया है, तो अगर इनके बीच कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको खत्म करने का जो काम होगा, उसको जो सेटलमेंट करने का कार्य होगा डिस्प्यूट्स का, ये ICSID के द्वारा किया जाता है। ICSID एक ऑटोनॉमस और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है जो कि इन्वेस्टमेंट
फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनली इन्वेस्टमेंट का जो फ्लो है इसको एंकरेज करती है. आईसीएसआईडी सेटलमेंट करती है डिस्प्यूट्स का बाय कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन और फैक्ट फाइंडिंग. कंसिलिएशन करके, आर्बिट्रेशन करके या फैक्ट फाइंडिंग करके, यानी कि अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद कि क्या क्या रीजंस हैं डिस्प्यूट्स के, उसको देखने के बाद आईसीएसआईडी सेटलमेंट करती है डिस्प्यूट्स का. एज एन आर्बिट्रेटर काम करती है, यानी कि दो लोगों के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको सुनती है, दोनों तरफ की बातों को सुनती है और डिसीजन लेती है कि उसको क्या करना चाहिए. और कंसिलिएशन का यहाँ पे मतलब है कि एज अ कंसिलिएटर काम करती है रिजॉल्व करने के लिए दोनों पार्टीज के बीच के डिस्प्यूट्स को. इसके लिए दोनों पार्टीज से इंडिविजुअली मिलती है और एक साथ मिलकर के जो डिस्प्यूट है, वो जो डिफरेंसेस हैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करती है. तो आईसीएसआईडी क्या है? एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है. अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक और इंडिया के बीच में क्या रिलेशन है, वर्ल्ड बैंक और इंडिया किस तरीके से रिलेटेड है. तो सबसे पहले यहाँ पे है वर्ल्ड बैंक जो 44 नेशंस थी, जो कि एज एट द टाइम ऑफ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस थी, जो 44 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया इसमें से वन ऑफ द मेंबर्स थी, वन ऑफ द मेंबर नेशन थी जिस वक्त आईएमएफ और आईबीआरडी को बनाया गया था. नेक्स्ट है हमारा इट वाज आल्सो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईएफसी इन 1956, आईडीए इन 1960 एंड लेटर बिकम द मेंबर ऑफ मीगा इन जनवरी 1944. इंडिया फाउंडिंग मेंबर है किसकी? आईएफसी की और आईडीए की भी. इंडिया फाउंडिंग मेंबर आईएमएफ, आईबीआरडी, आईएफसी और आईडीए की है. साथ ही साथ जनवरी 1994 में इंडिया मीगा की भी मेंबर बन गई. यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने की है कि इंडिया आईसीएसआईडी की मेंबर नहीं है, यानी वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जो पांचों इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें से चार इंस्टीट्यूशंस की इंडिया मेंबर है, लेकिन इनमें से एक इंस्टीट्यूशन जो कि आईसीएसआईडी है, इंडिया इसकी मेंबर नहीं है. एक इकलौता इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जिसमें इंडिया मेंबर नहीं है. कुछ जो भी कन्वेंशन से आईसीएसआईडी के, यानी जो रूल्स हैं वो इंडिया के फेवर में नहीं है. वो मानती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ इनके फेवर है, इनके जो रूल्स हैं वो फेवर करते हैं, इसलिए आईसीएसआईडी की मेंबर इंडिया नहीं है. इसके अलावा आईबीआरडी ने इंडिया को सबसे पहले 1949 में लोन प्रोवाइड किया था इंडियन रेलवेज के लिए. इसके अलावा आईएफसी ने इंडिया में जो पहला इन्वेस्टमेंट किया था वो 1959 में था और आईडीए ने किया था 1961 में. आईडीए ने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो था हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए. नेक्स्ट है हमारा 1960s और 1970 के समय वर्ल्ड बैंक की जो टोटल लेंडिंग थी उसमें आईडीए ने करीबन 3/4 लेंडिंग इंडिया को दी थी, और इस वजह से इंडिया अब तक का सबसे लार्जेस्ट रेसिपिएंट है आईडीए फंड्स का, यानी सबसे ज्यादा आईडीए के फंड्स का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो अब तक इंडिया में हुआ है. नेक्स्ट है इंडिया इज करेंटली क्लासिफाइड एज अ ब्लेंड कंट्री डिफाइंड एज वन ऑफ इन ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर मिडिल इनकम टू मिडिल इनकम एंड इट्स क्रेडिट वर्दी फॉर लेंडिंग फ्रॉम बोथ आईडी एंड आईबीआरडी. ब्लेंड कंट्री का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि एक ऐसी कंट्री जो कि ट्रांजिशन में है, यानी कि मिडिल में है. कैसे मिडिल में है? कि वो जो लोअर मिडिल इनकम है उससे वो आगे बढ़ रही है मिडिल इनकम में, यानी लोअर मिडिल इनकम और मिडिल इनकम के बीच में है ट्रांजिशन, यानी कि इन दोनों के बीच में ये ऐसी कंट्रीज आती हैं, इन्हें हम ब्लेंड कंट्रीज कहते हैं. और इसके अलावा ये आईबीआरडी और आईडीए दोनों से लोन लेने के हालत में होती हैं, उनसे लोन ले सकती हैं. नेक्स्ट है इंडिया इज द लार्जेस्ट आईबीआरडी क्लाइंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक. बिटवीन 2015 टू 18 वर्ल्ड बैंक लेंट अराउंड $10.2 billion टू इंडिया. इंडिया को $10.2 billion दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2015 से 2018 के बीच में. नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे कि मीगा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आर एनवायरमेंटल एंड सोशल स्टैंडर्ड्स विच हेल्प टू स्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल प्रोजेक्ट. अगर इंडिया में किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है, किसी दूसरी कोई दूसरी कंट्री है जिसने इंडिया में इन्वेस्ट किया है, किस लिए किया है? जो एनवायरमेंटल या सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हैं इनके लिए किसी कंट्री ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है, और गवर्नमेंट इस हालत में नहीं है कि उस इन्वेस्टमेंट का रीपेमेंट कर सके, यानी कि अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर सके, तो जो रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट इस कंट्री का होगा उसको कौन पूरा करेगा? मीगा करेगी. मीगा
इसके रिस्क को कवर अप करती है। जैसे एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, वो है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। जैसे कि वर्ल्ड बैंक भी लोन प्रोवाइड करता है और आईएमएफ भी लोन्स प्रोवाइड करता है, तो इन दोनों के लोन्स में क्या अंतर है? तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लोन्स प्रोवाइड करता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, और जो आईएमएफ है ये क्या करता है, अगर बीओपी की सिचुएशन किसी कंट्री की खराब है तो उसको लोन प्रोवाइड करता है। आईएमएफ से अगर कोई कंट्री लोन लेती है तो इसका मतलब माना जाता है कि उस कंट्री की सिचुएशन बहुत खराब है, इकोनॉमी बहुत डाउन हो चुकी है। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी कंट्री को डैम बिल्ड करना है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करना है, तो इसके लिए जो डेवलपमेंटल जो चीजें हैं उसके लिए वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड करता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस वीडियो से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ब्रेटन वुड्स ट्विंस हम किसे कहते हैं। यहाँ आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, IBRD एंड IDA, IFC IMF, IMF एंड IBRD, IDA एंड IFC। ब्रेटन वुड ट्विंस किसे कहते हैं? तो ब्रेटन वुड ट्विंस हम कहते हैं IMF और IBRD को। ये 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में बनाई गई थी, इसलिए हम इन्हें ब्रेटन वुड ट्विंस कहते हैं, और साथ ही साथ हम इन्हें सिस्टर इंस्टीट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, इंडिया इनमें से किसका मेंबर नहीं है? तो इंडिया ICSID का मेंबर नहीं है। इसके अलावा जो बाकी चारों इंस्टीट्यूशंस हैं, IBRD, IDA, IFC, MIGA, इन चारों का मेंबर है, और IBRD, IFC और IDA का इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। MIGA को बाद में इसने 1994 में ज्वाइन किया था। तो ICSID मात्र इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जिसका इंडिया मेंबर नहीं है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक इज कंप्राइज ऑफ विच टू इंस्टीट्यूशंस। वर्ल्ड बैंक में कौन सी दो इंस्टीट्यूशंस आती हैं? तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में टोटल 5 इंस्टीट्यूशंस आती हैं, लेकिन IBRD और IDA इन दोनों को कलेक्टिवली टुगेदर वी कॉल्ड एज वर्ल्ड बैंक। तो IDA एंड IBRD आर कलेक्टिवली नोन एज वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड बैंक एम्स टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय। वर्ल्ड बैंक का मिशन है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वर्ल्ड की उसको एंड करने का। तो 2030 तक एक्सट्रीम पॉवर्टी को एंड करने की बात की गई है, यहाँ तक 2-3%। तो आज के इस वीडियो में हमने वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ा, वर्ल्ड बैंक क्या है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है, और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस देखे। थैंक यू।